गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल आपने एक नोटिस नामक टॉपिक पढ़ा था। तो कल मैंने बेटा आपको दो नोटिस करवाए थे, आज अपन उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी के जो अपने नोटिस हैं उसको अपन करते हैं। कल मैंने एक तो आपको फॉर्मेट करवाया था और एक नोटिस करवाया था, तो उसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हुए नोटिस करवा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखें। अगला जो नोटिस है अपना वो है ब्लड डोनेशन कैंप। जैसे कि अभी जिस दिन अपने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी उस दिन विश्व रक्तदान दिवस था, तो अपन उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन ब्लड डोनेशन जो कैंप है उसके ऊपर एक नोटिस लिखेंगे। अच्छा, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है रक्तदान शिविर, जरूरी नहीं है कि स्कूल में ही शुरू किया जाए। ये बेटा कोई भी जो संस्था होती है, कोई भी जो कमेटी होती है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो किसी भी अपन संस्था का नाम लिख सकते हैं या फिर स्कूल का नाम भी जरूरी नहीं है। कोई संस्था है जैसे लॉयंस एंड डीओ क्लब भैरोड है, वो अपने ज़्यादातर ये शारीरिक जो सामाजिक जो कार्यक्रम है वो आयोजित करती हैं। तो अपन इसी के ऊपर एक ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर एक नोटिस लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारा नोटिस है इसको अपन चार दीवारी जिसको बॉर्डर बोलते हैं, इस बॉर्डर में अपने को बंद करना जरूरी है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, जो तीन तरफ की जो लाइनें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है तीन तरफ की जो लाइनें हैं वो आप यहाँ पर खींच लीजिए। चौथी तरफ की अगर आप लाइनें खींचेंगे, नीचे की लाइनें खींचेंगे, तो हो सकता है आपका जो नोटिस है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसके लिए आप नीचे की लाइनें मत खींचिए, अगर बड़ा हुआ तो नीचे बढ़ सकते हैं पर नीचे वो कवर कर सकते हैं, इसलिए तीन तरफ की जो लाइनें हैं आप उसको कवर करते चलिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं जो भी कोई इंस्टीट्यूट है, जो भी कोई संस्था है, कमेटी है, स्कूल है, ठीक है, उसका अपने को नाम लिखना है, बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपने एक धार्मिक संस्था है लॉयन क्लब कमेटी और बैरोड, ठीक है, ये तो होगी हमारी संस्था का नाम लॉयन क्लब कमेटी बैरोड, ये संस्था का नाम हो गया। अब इसके नीचे अपन लिखेंगे नोटिस, नोटिस मैंने दो तरीके बताए थे, या तो आप ही यहां पर डेट लिख दीजिए नोटिस के नीचे, ठीक है ना, या फिर नोटिस के ऊपर डेट लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगी अपनी डेट तारीख, जैसे आज अपनी क्या तारीख है 15 जून, यहां पर आ जाएगा डेट, अच्छा। अब किसके बारे में आप नोटिस लिख रहे हैं उस नोटिस का जो नाम है वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है, वो यहां पर लिखना है। जैसे किसके बारे में लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, तो यहां पर आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। तो ध्यान रखना कैपिटल लेटर का उपयोग करना, ब्लड डोनेशन कैंप। अच्छा, स्कूल होती तब तो अपन ये कर देते कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इनफॉर्म, ठीक है, किसी फैक्ट्री वगैरह होती तो अपन कह देते ऑल द एम्प्लॉइज आर इनफॉर्म। यहाँ पर तो एक ही संस्था होगी, सार्वजनिक संस्था है, ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे ऑल द पीपल हु आर अबव 18, 18 से जो ऊपर के होते हैं वही तो रक्तदान कर सकते हैं, तो आ जाएगा ऑल द पीपल हु आर अबव 18 आर इनफॉर्म, ठीक है, तो आ जाएगा ऑल द पीपल
भू आर अबो एटी, ठीक, वे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, आर इनफॉर्मल, उनको सूचित किया जाता है दैट आवर कमेटी इज गोइंग टू हैड द ब्लड डोनेशन कैंप। ये जो नाम है इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर करके और जो अपने इन्वर्टेड कॉमाज हैं उसमें ले लो, तो जैसा दैट आवर कमिटी इज गोइंग टू हेल्ड द ब्लड डोनेशन कैंप ध्यान से सुनो, यहाँ पर आ जाएगा ऑल द पीपल हु आर अबव 18, वे लोग जो 18 साल से ऊपर हैं आर इन्फॉर्म, उनको सूचित किया जाता है दैट कि अवर कमेटी, हमारी जो कमेटी है या जिसको समिति बोलते हैं, वो इज गोइंग टू हेल्प, वो आयोजित करने जा रही है, क्या करने जा रही है, द ब्लड डोनेशन कैंप, जो रक्तदान शिविर है उसका आयोजन करने जा रही है। कहाँ पर? ऑन 20 जून 2021। देखो ये तो आज अपन नोटिस कर रहे हैं, तो नोटिस करेंगे तो 3-4 दिन तो अपने को लोगों को स्प्रेड करने के लिए, यानी कि लोगों में प्रचारित करने के लिए अपने को तो चाहिए। ये तो है नहीं कि आज ही अपने नोटिस हो किया, आज ही उसकी डेट डाल देते, ये 20 तारीख को आयोजित करने जा रही है। कहाँ पर? इन द स्कूल प्लेग्राउंड, जो खेल का जो मैदान है उसमें, उसमें 20 तारीख को जो कमेटी है ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रही है। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड, हु आर इंटरेस्टेड टू गिव देयर ब्लड कैन कैन डिपॉजिट देयर नेम्स अप टू 19/6/2021। द पीपल, वे लोग हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं टू गिव देयर ब्लड, अपना खून देने, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो खून देने में रुचि रखते हैं, तो जो लोग खून देने में रुचि रखते हैं कैन डिपॉजिट देयर नेम्स, वो अपना नाम लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं अप टू 19/6/2021, जो 19/6/2021 यानी कि एक दिन पहले, ताकि उन लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जो बेड वगैरह है वो भी अरेंज करना पड़ेगा, जो ब्लड डोनेशन कैंप की जो थैली होती है जिसमें रक्त इकट्ठा किया जाता है उसको भी कलेक्ट किया जाता है, बाकी और सारी व्यवस्थाएँ वो भी, यानी कि एक दिन पहले तक आप उसको वहाँ पर नाम जमा करा सकते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर मान लो या रिक्वेस्ट मान लो, ऑर्डर भी दे सकते हैं रिक्वेस्ट भी, तो यहाँ कर देगा बाई रिक्वेस्ट, बाई रिक्वेस्ट, और फिर इसके चेयरमैन आ जाएगा, चेयरमैन ऑफ लॉयंस कल्ब बैंक, ठीक है, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो चेयरमैन है इसका, लॉयंस कल्ब जो बहरोड है उसका, ठीक है भाई, आए समझ में? तो ये तो था हमारा एक नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप का। अब अपन अगला जो नोटिस है वो लिखते हैं, तो मैं तो इसी को मिटा रहा हूँ, ठीक है,
अगला जो नोटिस है वो है हमारा एजुकेशनल टूर। अच्छा, जो एजुकेशनल टूर है स्कूल ही प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, ठीक है ना। तो स्कूल का कुछ भी जो नाम है वो अपने बच्चों को एक एजुकेशनल टूर के ऊपर लेके जा रही है, तो इसकी सूचना देते हुए नोटिस देते हुए अपने को एक नोटिस प्रकाशित करना है अपनी जो सूचना नोटिस बोर्ड है उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे अपनी स्कूल है, ठीक है ना, वो अपनी स्कूल एक एजुकेशनल टूर के ऊपर लेके जा रही है बच्चों को, तो उसके बारे में अपने नोटिस दी। ये तो हो गया अपना संस्था जो स्कूल का नाम है। पिछले नोटिस में मैंने आपको बताया था कि अब नोटिस ऊपर लिख दो, डेट नीचे लिख दो। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, डेट ऊपर लिख रहा हूँ, नोटिस नीचे लिख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ, यहाँ जैसे अब अपना जो एजुकेशनल टूर है वो 22 तारीख को जाएगा, ठीक है ना। तो आज अपन जो 15 तारीख है उसकी डेट लिख देते हैं, जो नोटिस है उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर के साथ करोगे, ठीक है भाई। अच्छा, किसके बारे में है एन एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर कहाँ पर जाएगा इसका जिक्र अपन है जो नीचे अपन इसका और भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे उसमें आप इसमें कर दें। तो भाई स्कूल है तो स्कूल में तो स्टूडेंट को ही सूचित किया जाएगा, तो आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज going to take an educational tour to R, ठीक है ना। ये अपने यहाँ पर इसका जिक्र कर दिया कि अपना जो एजुकेशनल टूर है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा R। ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म सूचित किया जाता है दैट कि आवर स्कूल हमारा विद्यालय इज गोइंग टू टेक लेने जा रहा है या लेकर के जा रहा है एन एजुकेशनल टूर एक शैक्षणिक भ्रमण टू आगरा आगरा, यानी कि हमारा जो विद्यालय है वो आगरा के शैक्षणिक भ्रमण पर विद्यार्थियों को लेकर के जा रहा है, ऐसी सूचना सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दो स्टूडेंट्स who want to take participate who want to take participate in this tour can give their name with 3,000 rupees up to 20 June 2021। Those student वे विद्यार्थी who want to take participate जो भाग लेना चाहते हैं या जाना चाहते हैं इन दिस टूर इस भ्रमण पर कैन गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे सकते हैं विद 3,000 रुपये 3,000 रुपये दिया, यानी इसकी जो राशि होगी 3,000 रुपये अब तो 20 June 2021 यानी वो 20 June 2021 तक अपना नाम जमा करा सकते हैं या नाम लिख सकते हैं। The
विल बी 3 days. All the facilities will be provided by the school management. जो टूर है, द टूर प्रोग्राम विल बी 3 days. जो टूर का जो प्रोग्राम है वो अपना 3 दिन का रहेगा, यानी कि 3 दिन भरना पड़ जाएंगे. ऑल द फैसिलिटी, जो सारी जो अत्यावश्यक जो सुविधाएं हैं वो जो हैं विल बी प्रोवाइडेड, वो प्रदान करवाई जाएंगी बाय द स्कूल मैनेजमेंट. जो स्कूल जो प्रबंधन है उस स्कूल प्रबंधन द्वारा आपको जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान करवाई जाएगी. ये कौन निकालता है? ऑर्डर बाई प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल के आदेश से निकला हुआ एक नोटिस है. तो देखो, दो नोटिस हो गए बेटा आज, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप का हो गया और एक हो गया एजुकेशनल टूर, और कल करवाया था एक मैंने, ठीक है ना, और एक फॉर्मेट हो गया. तो ये अपने 3 नोटिस हो गए. नोटिस इसी प्रकार से लिखे जाते हैं जी. कैसा भी हो, अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई उसमें संस्था है या क्या है, उसमें ध्यान रखना. ये जो स्कूल का, किसी संस्था का, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. अच्छा, ये और ये जो चीज़ है, आप इस नोटिस को ऊपर ले जा सकते हैं, डेट को नीचे ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन ध्यान रखना, नोटिस जो नाम शब्द है ये भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा. टॉपिक का जो नाम लिख रहे हैं ये आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है. और फिर इसका एक प्रोग्राम, यानी कि ये जो लाइन है ऑल द स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट कहीं पर पीपल आ जाएगा, ठीक है ना, कहीं पर एम्प्लॉइज आ जाएगा, तो ऑल द स्टूडेंट आर इनफॉर्म दैट, ये दैट तो सभी में लाइन आएगी आएगी. अब रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, ठीक है ना, वो आप नीचे जो भी उसका संस्था का जो सबसे बड़ा आदमी होता है उसके माध्यम से लिखा जाएगा. तो ये थे बेटा हमारे जो नोटिस थे वो, बाकी के नोटिस अपन कल कर देंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.